So hey guys, welcome back to YouTube channel and you are. I'm Gloria. तो गाइस आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंडियन यूट्यूबर्स की एटीट्यूड फैन एडिट्स के ऊपर, तो वो नेक्स्ट लेवल वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बगैर देर की वीडियो। स्टार्ट करते हैं। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी जरूरी है, अगर मैं प्रॉपर वो ही रहूंगा ना तो मशीन बन जाऊंगा मैं। डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में होती है, क्या करता हूँ, कभी मेरा भी मन करता है एंजॉय करने का, कभी मेरा ही मन करता है बाहर पार्टी करने का, मैं कर लेता हूँ। बट उसके बाद अगले दिन जब मैं उठता हूँ ना तो मुझे पता होता है कि चलो एक दिन मैंने खराब कर दिया, अब ये वाला दिन नहीं खराब करना, अब चलो ध्यान देते काम पे। तो मैं ऐसे फोकस करता हूँ। गेम आते हैं ना, ऐसी लत लगती है कि आप पहले सोचते हो 12 बजे सोएंगे, फिर 2 बजे तक गेम खेल रहे हैं। लड़के फालतू बदनाम है कि वो लड़कियों के पीछे रात भर स्टॉक करते नहीं, वो गेम खेलते हैं रात भर 4-5 बजे तक, वो गेम खेलते रहते हैं। ये भरम होता है कुछ लड़कियों का। हमारा जो स्पोर्ट्स टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था ना, वो 2019 या 20 में स्टार्ट हुआ था, और 2020 में मैं कुछ 17 साल का ही था, मतलब कुछ नहीं, मेरे ख्याल से 17 का ही था, और मैं 17 साल की एज में टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था। अगर किसी को दम है ना सामने आके मेरे से एक बार मिल के बात करना और फेस टू फेस बात करना, और अगर कुछ फालतू बोलना हो ना तो यहाँ पर खड़े होके बोलना, क्योंकि ना जी जब मैंने वीडियो देखा था मुझे लगा था इसके इस तरह के एडिट्स बनेंगे। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज ना बहुत ही बढ़िया करनी, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं, फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देगा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप अभी से ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इतना ज्यादा कोसते हैं ना कि हम ये हैं वैसे हैं ऐसे हैं वैसे हैं। मैं अभी एक्चुअली एक ऐसे उसके ऊपर गाना टाइप भी लिख रहा था जिसके अंदर मैंने ऐसे 4 लाइनें, उसका ये पार्ट था कि ऐसे इतनी मुश्किल नहीं जिंदगी जितना तुम सोचते हो, सोच सोच में ही तुम खुद को कितना कोसते हो, कोस कोस दूर अपने आज में तुम जोड़ते हो, जोड़ जोड़ के ख्याल जिंदगी को तोड़ते हो। हर जाने नू मेरे बिना कहना हुंदा सी मैं मर जाना तेरे बिना। इसमें कह रही है कि एक भी आंसू ना आया जो मेरे से कह करता कि तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। ऑब्वियसली यार ये सब कहने की बातें होती है भाई, मरता तो कौन है आज की तारीख में, इतना तो तुम भी प्रैक्टिकल सही बात है ना, कई उठते हैं जिंदगी चलती है किसी के आने से ना, मतलब अभी मैं नहीं जा रहा भाई। लगता है आपको कि गेमर्स की इनकम कितनी होती है? अनलिमिटेड भाई, आपकी कितनी? भैया ऐसा तो मैं बता नहीं सकता, किसी टर्म्स में बता दो, गाड़ियों के टर्म्स में बता दो। ईयरली एक फरारी। पावर ऑफ गेमर्स। लोग बहुत लाइट लेते हैं इस शो पे को, कितना स्पीड है हमारी जिंदगी, यहाँ तो मैं खराब करूंगा, बाहर मेरा भाई खराब कर रहा होगा। जिंदगी भर याद रखोगे सारा व्लॉगिंग का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? आइडिया मतलब मैं और ब्लॉगर्स को देखता था उस टाइम, मतलब इंडिया में कुछ ही ब्लॉगर थे, ज्यादा नहीं थे, कुछ ही थे, मुझे पता था कि हाँ वो अपनी लाइफ दिखाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो दिखाते हैं। मैंने भी स्टार्ट यहीं से किया था, ट्रैवल से ही, जब मैं कुछ स्पेशल होता था तभी ब्लॉग करता था। मतलब मेरा मेन चैनल है आर्ट का चैनल, सोलुसी आर्ट्स का, वो था, उस पर आई थिंक 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो इस पे मतलब 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे। अच्छा सौरव जोशी ब्लॉग्स पे, हाँ। और आज कितने सब्सक्राइबर? आज तो 21 मिलियन आज ही हुए। टाइम टाइम की बात है। अपना ख्याल रखो, मैं करती हूँ यार सुंदर क्यों नहीं हो, देखो जिसमें मैं अच्छा हूँ वो डालना। आप जैसे जिनके रोस्ट करते हो या जिनकी वीडियोस बनाते हो तो वो पहले से और ज्यादा फेमस हो जाते हैं, तो क्या कभी किसी ने सामने से आपको बोला है कि मुझे रोस्ट करो? बहुत लोग बोलते हैं। तो आप करते हो? नहीं। भैया इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का क्या सीन है?
देखो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए जो टॉप के बंदे हैं वो इतना कमा रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने अपने आंखों से कुछ कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जिनमें उनको स्ट्रीमिंग करने के ही महीने के 30-40 लाख मिलते हैं सिर्फ स्ट्रीमिंग के। उसके बाद यूट्यूब पे जो स्पॉन्सर है वो अलग, इंस्टाग्राम पे जो उनकी कमाई है, जो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं वो 7 डिजिट में पैसे देते हैं। तो मैंने कुछ गेमर्स को देखा है महीने के 60 लाख कमाते हुए। जिन्होंने आपके फेवरेट गेम को हिंदुस्तान में एक लेवल आगे बढ़ाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेक सम नॉइस एंड वेलकम द वन एंड ओनली मोर्टल। क्या यार हैवी सीन है, क्या क्राउड है भाई, ये सच में गेमिंग के लिए था। गेमिंग ऐसे ऐसा मत समझो, वो तो मुझे पता है गेमिंग के बहुत बड़े फैंस हैं। क्राउड तो चेक करो भाई, स्टेडियम बड़ा भरा हुआ है। 2019 जोनाथन वर्सेस स्काउट, 2020 जोनाथन वर्सेस रेगा, 2021 जोनाथन वर्सेस निंजा, 2022 जोनाथन वर्सेस गॉब्लिन। हर साल नया लौंडा आता है मार्केट में बेस्ट बनने, लेकिन ऐसे जाते हैं तो पहले लोग हमें हल्के में लेते हैं, जैसे ही मास्क नीचे करते हैं ना तो फिर कॉफी पिलाई जाती है। यार आजकल जो जो कल एक्सपेरिमेंट किया क्या लेवल पे कोई नहीं बोला, जो लेवल पे जानी है इंडिया में बेस्ट पूछोगे ओनली वन वर्ड जोनाथन। जिस तरीके से उनका ऑरा था उससे पता चल रहा था कि ये सही है ये लड़का। हमें उनकी बातों पे ऑनेस्टली मजा तो आता ही था, लेकिन बहुत गांड बजा रहा था यार ये लड़का एल्विस। मतलब हम तो उनको मजाक में बहुत बार बोले कि आप तो गुंडा हैं, गैंगस्टर हैं, एंड आई लव गैंगस्टर। मतलब उस टाइप की गैंगस्टर नहीं है ठीक है, मतलब ग्रोब है थोड़ा, पावर है ये वाला ठीक है, पॉजिटिव बात समझ लो, थोड़ा लाइफस्टाइल उस तरह का, उस तरह का थोड़ा हाँ। Nice तो यार बहुत ही सही खतरनाक वीडियोस थी। इंडियन यूट्यूबर्स का तो एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल है यार। सही बात है यार, सबकी स्ट्रगल अपनी जगह बहुत ज्यादा है थी और अब उनका नाम बन गया तो सब ही इनको जानते हैं ठीक है। जैसे कि कैरी मिनाटी का था के रोस्ट वाला, क्या लोग आगे से बोलते हैं हमें रोस्ट करो तो फेमस हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे देख रहे ये चीज ठीक है। बहुत ही खतरनाक वीडियोस थी, अगर आपको भी अच्छी लगी तो इनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, टेक केयर।